मुजफ्फरपुर न्यूज के खास कार्यक्रम आज की बात में जीसस एंड मैरी स्कूल के प्रिंसिपल मुकुटमणि जी उपस्थित हैं। आइए सर से जानते हैं कि कोरोना काल में काफी लंबी अवधि तक स्कूल बंद रही और अब खुलने का आदेश आया है, कुछ क्लासेस का स्कूल खुल भी गया है, स्कूल प्रबंधन को क्या किस टाइप की परेशानी आ रही है, आइए सर से जानते हैं। सर बताया जाए कि अभी आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है, कैसे स्कूल को मतलब आप लोग अभी आगे ले जाने की स्थिति में हैं या नहीं है, अभिभावक का क्या रोल है इसमें, प्रशासन से आप लोगों की कोई मदद मिल पा रही है या ना मिल पा रही है, बताया जाए। सर ये सिर्फ स्कूल प्रबंधन की समस्या, जो आपका प्रश्न है वो सिर्फ स्कूल प्रबंधन की समस्या नहीं है, इस समस्या को हम लोग दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि ये समस्या अभिभावकों की भी समस्या है। तो दोनों को, ये अभिभावक और स्कूल प्रबंधन, स्वाभाविक है कि स्कूल प्रबंधन आज समस्याओं से जूझ रहा है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोन्स थे, ये वे बहुत सारे चीजें थी, लेकिन हम अभिभावकों और बच्चों के पढ़ाई के बारे में सोचे तो अपने दिल में भी थोड़ी सी मानवता के नाम पर सहानुभूति रखनी है, क्योंकि हम लोग सब स्कूल वाले, चाहे वो मुजफ्फरपुर जिला के हो, बिहार के या पूरे भारत के हो, जिन्होंने भी स्कूल इस्टेब्लिश किया है, उन्होंने शुरू से, शून्य से लेकर के जीरो से लेकर आज आगे बढ़े, प्रकृति ने साथ नहीं दिया और प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो कोरोना आया, उस कोरोना के कारण हम लोग थोड़ा बहुत जरूर प्रभावित हुए, लेकिन इतने भी प्रभावित नहीं होना चाहिए स्कूल के प्रबंधकों को कि हम निराशा में आ जाए, हतोत्साह हो जाए, आत्महत्या कर ले, और बट जूझने की आदत रखनी है, और जहां सत्य की राह होगी, जहां प्रोत्साहन देने की बात होगी, वहां ईश्वर भी साथ देते हैं। अगर हम लोग कहें खुले दिल से, तो हम लोग को भी उनकी भावनाओं को कद्र करना है, अभिभावकों की जो समस्याएं हैं उन्हें बड़ी सहृदयता से सुनना है, और हो सके तो उन पर कुछ रहम दिली दिखाते हुए कुछ हद तक उनके साथ एक समझौता तैयार कर लेना है कि आप भी खुश, हम भी खुश, और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इस मुद्दे को सोच करके कि हम अपना चैरिटी कर रहे हैं। हर स्कूल वाले एक ही बेस पर, उनको ये संवैधानिक तौर पर मान्यता मिली है कि ये कोई व्यापार नहीं है, ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो थोड़ा निसंकोच और खुले दिल से करना। हम लोग आज तक जीरो से चले, सबों ने कुछ ना कुछ कमाया, चाहे वो जिस तरह से कमाया, मैं भी कमाया, मेरी बात अपनी व्यक्तिगत होगी, तो क्या हम कुछ दिन तक बच्चों को साथ में लेकर के नहीं चल सकते हैं? क्या हम अभिभावकों को थोड़ी बहुत भी रियायत नहीं दे सकते हैं? अगर नहीं तो शायद हम स्वार्थी हैं, हम एक पक्ष के पक्षधर हैं, दोनों पक्षों की बात को सुननी है, उनकी मनस्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी दूसरी जो भी समस्याएं हैं, हमें सुनने में कतई कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं, हम अपने अभिभावकों को मैं याद करता हूं, मेरे अभिभावक, जो कुछ अभिभावक तो ऐसे थे कि वो खुद मेरे ऑफिस में खड़े होकर बोले कि सर हम स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट का सब जानते हैं, मैं फीस देने आया हूं, स्कूल की समस्याओं को मैं भी समझ रहा हूं, और मैं खुद अपने से चलकर फीस आया हूं। मैं तहे दिल से उनका बहुत शुक्रगुजार कि वो बिना बुलाए, मैंने किसी को कोई सूचना नहीं दी, लेकिन मेरे कम से कम 15-20% गार्डियन स्वतः चल करके आ करके अपना काम किए हैं, तो मुझे अपने काम पर, अपने आप पर यकीन था कि वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी स्थिति को अवगत किया है, हमारी पढ़ाई का स्टेटस को देखा है, हमारे अनुशासन के स्टेटस को देखा है, और शायद ऊपर वाले ने उनको एक स्पिरिट दिया और वो आए। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स आते पूछते हैं और उनकी समस्याओं को मैं, हम लोग सुनते हैं। ये इसलिए मैं कहूंगा कि हम लोगों को थोड़ी बहुत अपने दिल में उदारता लानी होगी और प्रोफेशन से हट करके थोड़ा मानवता के नाम पर उनके साथ सहूलियत करनी होगी ही। ये मैं आह्वान करता हूँ आप सभी, हमारे जिला के स्कूल
संचालकों से, और हम जानते भी हैं कि आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ के कारण ही हम बदनाम हो गए हैं, कुछ के कारण चूंकि उन्होंने शायद कुछ क्रूरता दिखलाई होगी और उसका वजह कुछ इस तरह से आया कि मीडिया या दूसरे तरह से स्कूल प्रबंधकों को लुटेरा भी कहा गया, उन्हें दूसरे दूसरे शब्दों से भी इंगित किया गया, सुशोभित किया गया, और अब समय आया है कि हम अपने दामन को साफ कर लें, बुलाएं अपने अभिभावकों को, मिलें बच्चों को और एक सही रास्ता दिखाएं, और हो सके तो अगली बार नेक्स्ट ईयर किसी तरह का कोई फीस बढ़ोतरी ना करें, बुक में परिवर्तन ना करें, जो बुक चल रहा है इस साल वही बुक अगले साल भी चलने दिया जाए ताकि अभिभावकों पर कोई और दूसरा लोड नहीं पड़ेगा और वो पुरानी बुक से अपने दूसरे बच्चे को सहयोग दे देंगे, तो ये हमारे पूरे भारत के लिए एक सहयोग होगा। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात बोलते हैं तो हमें भी कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुजफ्फरपुर न्यूज़ इस बात को पूरे जोश खरोश के साथ पूरे जिला में एक अभियान चलाए हुए है। मैं सही में आपकी तारीफ करता हूं और मैं कहूंगा कि आपके माध्यम से सभी स्कूल वालों में थोड़ी सी प्रेरणा, थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी उत्तेजना आनी चाहिए कि ये कलंक जो स्कूल संचालकों पर लगी है वो कलंक मिट जाए और हम जो एक सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की बातें करते हैं उसको सही में करके दिखाएं।